अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रॉयल फूड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ बन्नू बीफ पुलाव। और ये कैसे? Thank you.
दो किलो चावल है और 2.5 किलो गोश्त है और इसमें तकरीबन 10 गिलास में पानी के डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें इसमें डालेंगे और पानी को डार्क करने के लिए इसमें टी बैग्स डालेंगे। मैंने टी बैग डाले हैं, आप चाहें तो इसमें पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको आप किसी कपड़े में बांध के डालिएगा ताकि चावलों का रंग डार्क हो सके। हो तीन से चार मिनट हो चुके हैं, अब पत्ती के टी बैग्स मैं इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि उनका रंग निकल चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। पत्ती निकाल के इसमें मैं चावल डालूँगी और ये मैं आपको बताती जाऊँ कि ये 2 किलो चावल की रेसिपी थी जिसमें 2 किलो चावल और 2.5 किलो बीफ का गोश्त था जो मैं बना रही हूँ। चावल मैंने डाल दिए हैं और अब मैं चम्मच बहुत आहिस्ता हिलाऊंगी ताकि चावल ना टूटे, क्योंकि चावलों को मैंने आधा घंटा भिगो के पानी में रखा हुआ था। जिसकी वजह से चावल पहले ही नरम हो चुके हैं। पानी खुश्क हो रहा है और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं फॉइल पेपर से इसको दम दूंगी। आप घर पे जिस तरह दम देते हैं आप चावलों को उसी तरह दम दें। ये देखिए पानी खुश्क हो गया और चावल हमारे इस कंडीशन में आ चुके हैं। अब मैं फॉइल पेपर लगा रही हूँ। मैंने बड़ा देज का इसीलिए लिया था कि चावलों को अच्छे से दम लग सके और चावल अच्छी तरह फूल सके। आधा घंटा इसको दम पे रखेंगे। मेरी देजकी का पैंदा बहुत मोटा है इसलिए हम आधा घंटा इसको बहुत हल्की आंच पे दम देंगे। सारा मैंने कवर कर लिया है वॉइल पेपर से, अब इसको मैं ढक दूंगी। आधे घंटे बाद हम इसको खोलेंगे। आधा घंटा हो चुका है, चले देखते हैं हमारा बनू बीफ पुलाव कैसा बना है। माशाल्लाह हमारे चावल बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए फाइनल लुक हमारे चावलों की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक एक चावल खिला हुआ है हमारे चावलों का और हमारा बनू बीफ पुलाव बहुत खूबसूरत रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल जुड़े चावल नहीं हैं, सारे खिले खिले चावल हैं इसके और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। मेरी रेसिपी को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।